लेखा परीक्षा दिवस, लेखा परीक्षण सम्मेलन के समापन समारोह में भारत के महानियंत्रक महालेखा परीक्षक श्रीमान गिरीश मुर्मू जी, महालेखा परीक्षक श्रीमती प्रवीण मेहता जी, सभी लेखा परीक्षक अधिकारीगण, राज्य के अधिकारीगण और ऑडिट जनरल के सभी कर्मचारी भाइयों बहनों, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने दो दिवसीय इस सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा की, संवाद किया, ताकि शासन प्रशासन में शुचिता आए, वित्तीय अनुशासन हो, पारदर्शिता हो और शासन प्रशासन जवाबदेही से कार्य करे, इसके लिए आपने विभिन्न विषयों पर चर्चा संवाद की। और मुझे आशा है इस चर्चा संवाद से, मंथन से जो परिणाम निकलेगा, उससे हम शासन प्रशासन में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही शासन स्थापित करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद के अध्यक्ष होने के नाते मुझे इस बार लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह में शामिल होने का मौका मिला था और मुझे खुशी है कि भारत की संसद की लोक लेखा समिति, जिसने 100 वर्ष तक लगातार आपके द्वारा जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में सकारात्मक सुझाव दिए, चर्चा की, संवाद किया और किस तरीके से शुचिता आ सके, पारदर्शी आता आ सके, उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसने भूमिका निभाते हुए आपको महत्वपूर्ण सुझाव दिया, मार्गदर्शन किया, ताकि आपकी संस्था और विश्वसनीय बन सके। मुझे आज विश्वास है, भरोसा है कि ये संस्था एक विश्वसनीय भी है, निष्पक्ष भी है और ईमानदारी से कार्य भी करती है। और इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश विदेश की कई संस्थाएं भारत के सीएजी की कार्यप्रणाली को देखने आती है। मुझे पता है कि कुछ दिन पहले ही मालदीव के सीएजी ऑडिट जनरल मुर्मू जी के साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि भारत में जिस तरीके की ऑडिट व्यवस्था है, जिस तरीके से पारदर्शिता व्यवस्था है, ये विश्व के कई देशों के लिए मार्गदर्शक है और कई देश के अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं और हमारी पीएससी लोक लेखा समिति की कार्यप्रणाली को देखने के लिए संसदीय दल के कई नेता भी यहाँ आते हैं। इसलिए हमें गर्व है कि हमारी संस्था की विशिष्टता, प्रामाणिकता एक विश्व स्तरीय है और विश्व स्तरीय होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, जो हम कहते थे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र प्राचीनतम है,
ये हमने इन संस्थाओं के माध्यम से साबित किया है। एक संवैधानिक संस्था होने के नाते आपकी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि राज्यों के अंदर भी सरकारी धन का, जनता के धन का उपयोग ठीक से हो रहा नहीं हो रहा है, वित्तीय अनुशासन ठीक से हो रहा नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ जो ऋण लेने की प्रवृत्ति है वो ऋण किसके लिए जा रहा है, इसकी भी आप समय समय पर जब ऑडिट करते हैं तो राज्य को सलाह देते हैं और अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा करते हैं कि जो ऋण लिया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लिया गया है और उसका ठीक से उपयोग हो, इसके लिए एक राज्यों के शासन के लिए भी एक मार्गदर्शन की भूमिका के रूप में आप करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में शासन जवाबदेह हो, पारदर्शी हो, ईमानदार हो, इसके लिए संविधान में इन संस्थाओं का निर्माण किया है। और मुझे गर्व है कि आज़ादी के पहले जब हमारा पूरक बजट 172 करोड़ था और आज हमें खुशी है कि हमारा बजट 39,44,909 करोड़ का बजट है। ये हमारी आर्थिक ताकत बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। इस 75 साल के अंदर इस संस्था की और जिम्मेदारी और जवाबदेही बनी है कि कोई समय आपको बहुत कम राशि का ऑडिट करना पड़ता था, आज केंद्र का, राज्य का, स्थानीय शासन का, प्रशासन का, पंचायत राज तक का कि शासन में शुचिता लाने के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। यह संस्था समय समय पर जो सरकार नीतियां बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, उसके लिए इस धन का ठीक से उपयोग हो रहा नहीं हो रहा है, जिन नीतियों, जिन कार्यक्रम, जिन कल्याणकारी योजनाओं, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस धन को आवंटित किया गया था वह ठीक से उपयोग हो रहा नहीं हो रहा, इतना केवल आंकड़ा जांच करने का काम नहीं है। आपके सही कहे गिरीश जी ने कि हम केवल आंकड़े जांच करना या उनके मूल्य लेखांकन का अध्ययन करना नहीं, उसके साथ समय समय पर उस धन का उपयोग और उपयोगिता ठीक हुई नहीं हुई और उस धन से सामाजिक आर्थिक कल्याण करने का जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को पूरा हुआ नहीं हुआ, इसका सकारात्मक सुझाव भी आप समय समय पर सरकार को देते रहते हैं। इसलिए एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था अगर खड़ी करनी है तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि एक निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी और प्रमाणित तरीके से ये संस्था काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेही पारदर्शी शासन व्यवस्था की हमेशा वकालत की है। उनका हमेशा आग्रह रहता है कि हमें अगर विकसित भारत बनाना है, देश को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करने के नए युग की शुरुआत करनी है तो हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, जवाबदेही शासन प्रशासन बनाना पड़ेगा जिसमें पारदर्शिता भी हो और जवाबदेही भी हो और सुशीलता भी हो और लोगों के प्रति कल्याणकारी योजनाएं भी हो। और इसीलिए इस दिशा की ओर यह संस्था काम कर रही है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और इसीलिए शासन ने अधिकतम डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट इस
ट्रांसफर स्कीम है उसका अधिकतम इष्टतम उपयोग किया है। जितना ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगा उतनी ही पारदर्शिता आएगी, और इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण आज करोड़ों रुपए सरकारी धन के बच रहे हैं। ये सरकार की एक प्रामाणिकता दिशा थी और नीति थी, और इसीलिए आपको भी डिजिटल युग के अंदर अपनी स्किल को, अपनी तकनीकी को और बेहतर करना होगा। और इसके लिए इस संस्था ने, अभी जैसा मुझे बताया गया है कि इस संस्था ने उस दक्षता की ओर काम करने की दिशा में एक व्यापक प्रयास किए हैं। अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई तकनीकी, नई डिजिटल और आंकड़ों के अंदर डेटाबेस किस तरीके से हम ठीक से आकलन और मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए भी संस्था ने व्यापक प्रयास किया है। और मुझे आशा है जिन उद्देश्यों के लिए संस्था बनी है उसका प्रभावी कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और प्रभावी और जवाबदेही कार्यक्रम करने के लिए समय समय पर इन सम्मेलनों के माध्यम से लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, इससे सारे विषय जब ध्यान में आते हैं उसी से ही हम मंथन जो निकलता है, जो निर्णय निष्कर्ष निकलता है, उससे संस्था के अंदर और पारदर्शिता आती है और कार्यक्रम करण में शुचिता आती है। और इसीलिए मुझे आशा है कि दिशा में आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होना चाहिए, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, जिस मद के लिए धन आवंटित किया जा रहा है उस मद में उस धन आवंटित का उपयोग हो और उसकी क्या उपयोगिता हो उसका आकलन भी आप करते हैं समय समय पर। एक बात, अभी कुछ दिनों से जब बजट में समय परिवर्तन हुआ तो कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तन हुई है, लेकिन फिर भी बजट के अंतिम दिनों के अंदर बजट का ज़्यादा खर्च होना ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। जब बजट आवंटित होता है उसके वर्ष भर हर महीने उस बजट का ठीक से आवंटित होने के साथ साथ किस महीने कितना खर्च होना चाहिए ये भी हमारी ऑडिट में विशेष रूप से आप तीखी और पेनी नज़र से देखते होंगे, लेकिन इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए समय समय सरकार ने शुचिता लाने के लिए टेंडर प्रक्रिया के अंदर ऑनलाइन सिस्टम किया है, और टेंडर के साथ साथ हमारे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी हो और उसके साथ साथ कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी नीतियां, कार्यक्रम, इसके बारे में भी जो धन जिन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पहुंचना चाहिए उसके सामाजिक आर्थिक आकलन भी हमें करना चाहिए, और समय समय पर इसका सरकार को सुझाव देना चाहिए ताकि उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव का अगर हम आकलन ठीक से करेंगे तो सरकार को उतनी बेहतरीन नीतियां कार्यक्रम बनाने में सुविधा होगी। सरकार ने खरीद के लिए भी जैम पोर्टल जैसी एक ऑनलाइन खरीद स्कीम योजना शुरू की है, उसके माध्यम से भी खरीद में पारदर्शिता आई है, और इसीलिए खरीद में पारदर्शिता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्वालिटी का काम हो, कल्याणकारी योजना और नीतियों का धन का उपयोग ठीक हो, ये सब आप लोग बहुत बारीकी से देखते हैं और ठीक से मूल्यांकन और परीक्षण भी करते हैं। मुझे आशा है कि जो सरकार का लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य है कि एक पारदर्शी, जवाबदेही, ईमानदार शासन व्यवस्था हो, और उसमें CAG की विशेष रूप से भूमिका है, और इसीलिए मुझे आशा है CAG उसी प्रामाणिकता से, उसी ईमानदारी से, उसी पारदर्शिता के साथ काम कर इस देश की आज़ादी के 75 वर्षों के अंदर हमने बहुत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए, लेकिन हमारे आज़ादी के आने वाले 25 वर्ष हम सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने में इस संस्था की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी एक पारदर्शिता, जवाबदेही शासन व्यवस्था लागू करने की, और
जनता के धन का ठीक उपयोग उपयोगिता हो, पारदर्शी तरीका से हो, इसके लिए आपकी संस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुझे आशा है दो दिन के इन कार्यक्रमों में आपने जनता से संवाद किया है, कई एनजीओ के माध्यम से कई यूथ को जोड़ने का काम किया है, ताकि देश के आम आदमी को इस संस्था के बारे में जानकारी हो। और केवल लेखा मूल्यांकन का काम ही नहीं, परीक्षण का काम भी नहीं, आपके पास देश की जनता का या नौजवानों का, एनजीओ का, सबका फीडबैक आ सके, ताकि आपकी संस्था और पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर पाएगी। मैं पुनः आपको इस दो दिवसीय सम्मेलन में जो चर्चा संवाद आपके बीच में हुआ है, उसका एक बेहतर परिणाम निकलेगा, और आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है, एक पारदर्शी जवाबदेही शासन व्यवस्था को खड़ा करना, उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।